फ्रेंड्स, वेलकम टू रूबी का जायका। तो आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही सस्ती और बहुत ही आसान सी रेसिपी एक नाश्ते की, जिसे हम स्टोर करके रख सकते हैं पहले से बना करके, और जब गेस्ट आए तो इसे निकाल कर फटाफट फ्राई करके सर्व कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 बड़े साइज का आलू लिया है, उसे उबाल कर मैश करके रख लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 2 चम्मच भर के इसमें हम सूजी डालेंगे। अब एक मीडियम साइज के प्याज को हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया था और उसे निचोड़ कर उसके सारे रस को निकाल दिया है, इसे इसमें डाल देंगे। अब 1 इंच का टुकड़ा अदरक का हमने लिया था, उसे भी ग्रेट करके उसका भी रस निकाल दिया है हमने और उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच बटर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर बटर ना हो तो इसकी जगह पे आप घी भी ले सकते हैं, इससे इसके फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं, इसके टेक्सचर बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से हाथों से इसे हम मिक्स करेंगे और बिल्कुल आटा के जैसा इसका एक हम डो तैयार कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करेंगे। अगर इसकी बाइंडिंग में प्रॉब्लम हो तो इसमें हम थोड़ा और कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, सूजी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें दूसरी तैयारी करनी है। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टीस्पून मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी डालकर इसका एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे तो ये सैलरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे पतला हम इतना रखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि जब चम्मच से हम इसे चलाएंगे तो चम्मच के ऊपर इसकी कोटिंग दिखनी चाहिए। तो ये परफेक्ट तैयार हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब हमें दूसरी तैयारी करनी है। तो हमें यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लेना था इसका क्रंची टेस्ट देने के लिए, लेकिन ब्रेड क्रम्स हमारे पास नहीं था तो हमने यहाँ पे चिवड़ा जिसे कहते हैं या फिर इसे हम पोहा कहते हैं, तो इसे हमने दरदरा सा मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। इससे भी बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा। तो इसके लिए अब हमने जो डो तैयार करके रखा है उसके 3 बॉल्स हमने तैयार किए हैं और इस तरह से रोलिंग बोर्ड पे या चॉपिंग बोर्ड पे हम इसे रोल करते हुए फैलाते हुए इसके 1 रोल तैयार करेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब हम इसे चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसे हमने काट लिया है और इसे थोड़ा सा हाथ से घुमा घुमा कर हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से सारे बाइट्स को बनाकर हमने इकट्ठा जमा कर लिया है। तो अब जो हमने सैलरी बना कर ली है उसमें 1-1 बाइट्स को उठाएंगे, इस सैलरी में डिप करेंगे और उसके बाद इसमें से निकाल करके हम जो ये पोहे का हमने यहाँ पे जो दरदरा सा पाउडर बना कर रखा है उसमें इसे डालेंगे और इसकी कोटिंग इसे इसके चारों तरफ अच्छे से कर देंगे। अब इसी तरह से सारे बाइट्स को हमें करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे बाइट्स को इसी तरह से बना कर तैयार कर लिया है। तो अगर हमें तुरंत इसे फ्राई करना है तो फिर इसके लिए हमें फ्रीजर में इसे 10 मिनट तक रखना होगा और निकाल कर उसे हम डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। और अगर हमें उससे ज़्यादा 1-2 महीने के लिए रखना है तो हम कोई सा भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में डालकर इसे हम फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं 1-2 महीने के लिए। तो इसमें हमने स्टोर करके इसे 20-25 दिन के लिए रखा था। 20-25 दिन के बाद हम इसे निकाल रहे हैं तो देखिए कितना हार्ड हो गया है। तो इसे हमें बाहर निकाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने तेल डाला है, तेल को अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसमें 1-1 करके बाइट्स को डाल देंगे और अभी हमें इसे टच नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद जब एक तरफ से इसके कलर चेंज हो जाएंगे तब हम इसे धीरे धीरे करके पलट देंगे और उलट पलट करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से सारे बाइट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और ये गेस्ट को सर्व करने के लिए तैयार है। या तो गेस्ट को सर्व कर सकते हैं या घर में अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो जो भी हो आप इसे फ्राई करके और